ये माशाल्लाह चिमिंडा में गाड़ी भर के आए थे, तो अभी चेयर जो है वो तैयार हो रही है, पॉलिश वगैरह हो रही है। इसी हवाले से हम इधर निकले हैं। अभी हमारा ये फर्स्ट टूर है, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से हमारा काम बेहतर रहेगा और हम इंशाल्लाह आते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहने वाला है। अल्लाह नबी के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आप सब की देखने वाले की तमाम मुश्किलात आसान करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, आपको खुद ही इंशाल्लाह आपने फैसला खुद ही करना है। वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है। मैं अभी रस्ते से गुजर रहा था तो मैं वीडियो बनाने मजबूर हो चुका हूँ कि मैंने देखा एक चीज को, मैंने सोचा लोगों में शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह मैं लास्ट में उनका कॉन्टेंट नंबर भी सेंड करूंगा, आप रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आप व्यूवर्स के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि आपको मार्केट में 15 से 20 हज़ार रुपये में आपको मिलेगी और उसकी क्वालिटी तकरीबन इस लेवल की नहीं होगी। हमारे पास भाई आए हैं, ये चेयर लेके आए हैं, ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल प्लास्टिक और सीट की क्वालिटी का अगर आपको लेवल का बताया जाए, मैं खुद इस पर बैठा हुआ हूँ, बड़ी कंफर्टेबल और बहुत ही माशाल्लाह मजबूत है। इसके एडजस्ट भी लगी हुई है, आप पीछे भी काट सकते हैं, आप डोन भी काट सकते हैं। और चेयर की अगर बात की जाए तो ये हल्की सी यूज़ होती है, यूज़ होने के बाद फिर पाकिस्तान में भाई इस तरह मंगवाते हैं कंटेनर, ये खुद परचेज करते हैं, कंटेनर चेयर्स का आता है और फिर वो उनकी काफल का उसका काम होने वाला होता है, मेंटेनेंस वगैरह होने वाली होती है। ये साथ वो भाई साहब हैं, वो मेंटेनेंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको पॉलिश वगैरह करते हैं और इसके ऊपर जो है ये शापर वगैरह भी लगाते हैं। चेयर माशाल्लाह बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुकी है। अगर मार्केट की बात की जाए ज़िला सियालकोट में, मैं चिमिंडा की या सियालकोट की अगर बात करूं तो ये तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये में ये चेयर जो है मार्केट में मिलेगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपको 8 हज़ार रुपये में मेरी जो वीडियो देखेगा, जो इनसे रब्ता करेगा, जो मेरी वीडियो का बताएगा, उनको सिर्फ और सिर्फ 7 हज़ार रुपये में चेयर। मैं उनको उनसे खसूसी रिक्वेस्ट करूँगा, चेयर आपने चेक करनी है, आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे मैंशन करूँगा, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप किसी भी सिटी से होंगे, किसी भी ज़िले से होंगे, किसी भी गांव से होंगे, आपको इंशाल्लाह उधर से डिलीवर की जाएगी। चेयर आपने चेक करनी है, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो फिर इसकी रिटर्न भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। अगर मसला नहीं होगा तो आप इसको इंशाल्लाह अपनी लाइफ को इंजॉय करें, अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, इंशाल्लाह घर के यूज़ के लिए भी बेहतरीन है। अगर खसूसी उन भाइयों के लिए जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, शॉप के लिए यूज़ करना चाहते हैं, शॉप के लिए चेयर लेना चाहते हैं, तो मियारी चेयर इससे बेहतरीन और कोई नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ बताता चलूं कि जो इसके चार्जेस मंगवाने के डिलीवरी लगेंगे वो आपने खुद पे करने हैं, 7 हज़ार रुपये में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन लेवल की चेयर जो है वो मिलेगी। ये इसका सामने फ्रंट है, ये साइडें हैं, ये देखें हल्की सी यूज़ है, बेहतरीन और ब्रांड न्यू चेयर है। और इसको नीचे से भी चेक करवाते हैं, ये देखें इसका जो स्टैंड है माशाल्लाह ओरिजिनल है, टायर इसके ब्रांड न्यू है और क्वालिटी वाइज मजबूत हैं। और इसका जो अक्सर चेयर आप मार्केट से लेते हैं तो उसका अप डाउन वाला जो पंप होता है वो अक्सर उकात ख़राब हो जाता है, लेकिन इनकी चेयर की इंशाल्लाह गारंटी होगी, पंप वगैरह ख़राब नहीं होगा, आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, जिस तरह मर्जी इसको घुमाएँ, जिस तरह मर्जी इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 7 हज़ार रुपये में आपको मिलेगी। और आप किसी भी सिटी से होंगे, किसी भी गांव से होंगे, आप इनको कॉल करके इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और अभी इसकी क्वालिटी चेक करवाते हैं किस तरह कंटेनर में आती है। सिर्फ हल्की सी इसको पॉलिश वगैरह की जाती है, इसकी सफाई सुथराई होती है। और इसमें ये नहीं है कि अगर इम्पोर्ट की जाती है, इम्पोर्ट करने के बाद इसका जो सीट की जो पोशिश है वो चेंज की जाती है, इस सीट के अंदर फोम की भराई वगैरह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसको पॉलिश की जाती है। और हल्का फुल्का कोई नट शट लगना हो या शापर वगैरह डेकोरेशन के लिए बस लगाया जाता है, बाकी टोटली ये जेन्युइन कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 हज़ार में मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने कभी भी इस तरह की बम्पर ऑफर पहले नहीं देखी होगी, आपको रब्ता नंबर मेरी वीडियो में मिल जाएगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जो बंदा मेरी वीडियो का बोल के, मेरे चैनल का बोल के इनसे रब्ता करेगा उनको 7 हज़ार में मिलेगी। चिमिंडा में गाड़ी भर के आए थे तो अभी चेयर जो है वो तैयार हो रही हैं, पॉलिश वगैरह हो रही हैं, ये सारी चेयरें इस तरह ही आती हैं, लेदर लेस सामान पार्ट्स इनके होते हैं, क्योंकि जब इम्पोर्ट होती है तो फिर पार्ट्स इनके कवरिंग के लिए जगह ज़्यादा घेरती हैं पूरी चेयर, इसलिए इसके पार्ट्स हैं वो लेदर लेदर करके इसकी तय वगैरह लगा के फिर आते हैं, और इसलिए इस तरह किया जाता है कि सामान ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर में आ सके।
और अभी जो भाई काम कर रहे हैं माशाल्लाह शापर वगैरह लगा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी नफासत से पहले चेयर को साफ़ किया जाता है, साफ़ करने के बाद इसको पॉलिश वगैरह किया जाता है। अभी माशाल्लाह कितनी नफासत से माशाल्लाह भाई साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा इधर भी माशाल्लाह काम चल रहा है, ये लेदर अगर हल्का फुल्का लगना वो भी लगाते हैं, ये माशाल्लाह इसकी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। अभी जो भाई आनर हैं जो उधर से फैसलाबाद से हमारे सिटी में मेहमान आए हैं उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि इसकी क्वालिटी में कोई मामला तो नहीं है, क्या कहाँ से सामान मंगवाते हैं और किधर किधर जाके ये सेल करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, हमारे पास मेहमान जो आए हैं ताहिर महमूद साहब फैसलाबाद से आए हैं, गाड़ी माशाल्लाह लेके आए हैं, इनके साथ और भी चार पांच भाई हैं जो कि मिलके माशाल्लाह काम करते हैं। ताहिर भाई से बात करते हैं और पूछते हैं किस तरह इनको आइडिया है किधर फैसलाबाद है और किधर चमिंडा है, किस तरह चमिंडा की धरती में ये पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि आपको किस तरह आइडिया है कि चेयर का काम करना है और इम्पोर्ट करनी है, किस तरह ये आपको आइडिया है? हमारा कम से कम 20 साल से ये काम चल रहा है, हम पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये काम करने के लिए जाते हैं। इसी तरह हमने विजिट किया था पहले, वैसे ही लोगों के साथ पास गए, हमने बात की, मुलाकात की, उन्होंने कहा कि आप चविंडा सियालकोट पसरूर वगैरह में आए, इंशाल्लाह ये भी आपका काम बेहतरीन चलेगा। इसी हवाले से हम इधर निकले हैं, अभी हमारा ये फर्स्ट टूर है, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से हमारा काम बेहतर रहेगा और हम इंशाल्लाह आते रहेंगे। इससे अच्छी अच्छी और भी क्वालिटी हमारे पास आती है, ये बाहर से इम्पोर्ट होकर माल आता है जो हम दूसरे शहरों में जाकर लोगों को घर की सहूलत तक पहुँचाते हैं। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं चेयर के अलावा और भी कुछ चीज़ मंगवाते हैं बाहर से? सर फैसलाबाद में तो बहुत सारी आइटम्स आती हैं लेकिन हमारा सिर्फ चेयर का काम होता है क्योंकि हमारी फील्ड ये है, हम इसके बारे में अच्छी तरह इसको खसूसी तरीके से तैयार करते हैं और इसकी जो भी कमी पेशी है वो दूर करके लोगों को ये देते हैं और इसमें रायत भी होती है और चीज़ भी पायदार होती है, इससे इम्पोर्ट चीज़ें इस्तेमाल करने का लोगों को मौका मिलता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह मैंने वीडियो में बताया कि एक बंदा वीडियो देखने वाला रابطہ करता है, तो आप किस तरह उधर फैसलाबाद में उस बंदे को सामान भिजवाएंगे? सर इंशाल्लाह वो जब हमारे से रابطہ करेगा फिर वो हम उनसे बात करेंगे, वो हमसे रابطہ जो करेगा उसके मुताबिक वो अपना एड्रेस वगैरह देगा, हमारे अकाउंट में उसके पैसे वगैरह जो हमारे तय हो जाएंगे चीज़ के मुताबिक, जैसी चीज़ की वो डिमांड करेगा इंशाल्लाह वो हम उसको पूरी देंगे और प्राइस बिल्कुल मुनासिब और मकूल लेंगे, चीज़ उनकी ज़रूरत के मुताबिक और जो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक, हाई टू ची नीची जो भी होगा उसके लेवल के मुताबिक हम उनको बनाकर चीज़ तैयार करके भेजेंगे, इंशाल्लाह वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारी एडवर्टाइज़ भी होगी, अगर चीज़ अच्छी भेजेंगे तो लोग हमारे पास दोबारा भी आएंगे, अगर हम गलत चीज़ भेजेंगे तो ये हमारा काम फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा सर जी, एक चीज़ ये बताएँ कि आप फैसलाबाद से पेट्रोल वगैरह लगा के आए हैं, खर्चा अखराजात होंगे, इधर खाने के भी एक्सपेंसिस लगेंगे, उसके बाद आपको रहायश वगैरह भी चाहिए, तो क्या आप ये काम जो है फैसलाबाद में रह के नहीं कर सकते या दूसरी सिटी में जाना क्या ज़रूरी है? सर फैसलाबाद में असल में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है और कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा और भी है, लोग भी ज़्यादा काम करते हैं, हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हम ज़्यादा लोग होते हैं इसलिए खर्चा भी हमारा कम हो जाता है और लोगों तक सहूलत भी पहुँच जाती है, इस वजह से कुछ अपने बच्चों के लिए रोज़ी भी ले जाते हैं, लोगों को सहूलत भी दे देते हैं। फैसलाबाद में भी हमारे लड़के काम करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारा विज़िट करना भी ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ ये बताएं कि अक्सर औकात देखा है कि बिज़नेस कहते हैं कि बिज़नेस में किसी का पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, बिज़नेस आप करें तो अकेले ही करें, आपके माशाल्लाह कितने पार्टनर हैं इस बिज़नेस में? सर हम चार पांच पार्टनर हैं, आपस में ही हैं, हम कज़न वगैरह हैं जो काम करते हैं लेकिन मिलजुल कर काम कर लेते हैं, कभी इस नौबत तक बात नहीं गई कि हम अकेले कर लें या अलग कर लें, ये सारी इत्तेफाक की बात होती है सर, जब इत्तेफाक से चलेंगे तो अल्लाह की रहमत हो जाती है, बरकत हो जाती है, बच्चों का रिज़्क ले जाते हैं और लोगों को सहूलत देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये मुझे लास्ट वाली बात बताएं कि अगर कोई बंदा कोई और मजबूर हो तो उसके साथ आप और रहत भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर इसमें ये होता है कि कोई अदारा हो जैसे कि गूंगे बहरों का स्कूल है या मेरे साथ रابطہ करने के लिए आपको जिस चेयर के बारे में किसी चीज़ की इसके पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 0309-5242-042। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने चेयर मंगवानी हो या आपने इनसे को पार्ट्स आपको चाहिए हो चेयर के बारे में को मालूमात लेनी हो, इंशाल्लाह आपसे कोई पैसा नहीं लेके फ्री ऑफ कास्ट आपको मालूमात देंगे, अगर आप सामान मंगवाएंगे फिर इंशाल्लाह आपसे कास्ट जो है मुनासिब वो ली जाएगी। 0309-5242-042 ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रابطہ कर सकते हैं और बैठ के चेयर का लुत्फ उठाएंगे जिस तरह मैं इधर बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ, इस तरह ही आपने अपने घर में बैठ के इंजॉय करना है। तो इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इतने किलोमीटर सफ़र करके
دوسری سٹی میں جا کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، میں تو اس طرح کے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کے رزق میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے بلاگ کو یہیں کرتے ختم۔ مہر دانش اقبال کو اجازت دیجیے گا، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔